हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे इसे हम लोग आसानी से कवर कर पाएंगे और आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा। तो एक एक करके हम लोगों को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट को, क्योंकि मैसेज करते हैं स्टूडेंट व्हाट्सएप पे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कौन सा बुक हम परचेज करें, कैसे पढ़ाई होगा। तो उसके बारे में एक एक करके जो है ना जवाब देना मुश्किल होता है। तो हम सोचे कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को सजेस्ट कर दिया जाए कि आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में चिंता ना करें। आपका बोर्ड जो है ना पहले से एग्ज़ाम का टाइम डिसाइड कर दिया है कि आपका जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम मई लास्ट तक में होगा और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका जो है ना दिसंबर में होगा। ये पहले से आपका रूटीन दिया जा चुका है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना आपका क्लासेस जो है ना रेगुलर कॉलेज में चलेंगे, जो भी प्रोफेसर होंगे वो आपका क्लास आराम से लेंगे। उसके अलावा यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सा बुक पढ़ें, तो आपका सिलेबस न्यू है तो न्यू सिलेबस में क्या हुआ है, कुछ जो है ना कटिंग किया गया है, कुछ टॉपिक्स को इधर से उधर कर दिया गया है। तो कोई भी एक सफिशियंट बुक आपको नहीं मिलेंगे जिसमें कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो कंप्लीट कर जाएगा, उसका बुक्स जो है ना कुछ ही समय में आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। सेकेंड चीज़ें हैं कि कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर किस बुक्स में मिलेंगे और अच्छे से किस टॉपिक्स को किस बुक्स में डिफाइन किया गया है, ये आपके सब्जेक्ट के टीचर बताएंगे और वहाँ से आप पढ़ेंगे। जितने टीचर बताते हैं उतना सफिशियंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका पढ़ाई जो होता है कॉलेज में वो जो है ना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना मेहनत कर पाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना आपको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसको ग्रुप ए कहा गया है और इसे ग्रुप बी कहा गया है। हालांकि ग्रुप ए और ग्रुप बी को कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रुप ए में है कि इसको बुलाता है फर्स्ट सेम और इसको बुलाता है सेकेंड सेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि हम तो अभी एडमिशन लिए तो सेकेंड सेम में कैसे चले गए। एक्चुअल में इसलिए ग्रुप ए और ग्रुप बी समझना होता है कि ग्रुप ए के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ेंगे और ग्रुप बी के स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ेंगे। जब एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होगा तो ये जो स्टूडेंट हैं ग्रुप ए, ग्रुप ए वाले जो है ना सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को स्टडी करेंगे और सेकेंड सेमेस्टर वाले फर्स्ट सेमेस्टर को सिलेबस को स्टडी करेंगे। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा हमारे यहाँ जो है ना क्लासेस स्टार्ट हो रहा है कल से, दैट मीन्स कि 1 मार्च से। यदि आप इंटरेस्टेड हैं 1 मार्च 21, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्टेड हैं अगर आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 1 मार्च से जो है ना आपका क्लासेस जो है ना ऑफलाइन सहरसा में स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन कहाँ होगा, तो होगा आपका संजीवनी क्लासेस, संजीवनी क्लासेस आप पता कर सकते हैं, कॉलेज के पास में ही है, संजीवनी क्लासेस में होगा और टाइमिंग इसका होगा आपका 6 AM to 8 AM। इस टाइम को फिक्स नहीं किया गया है, ये टाइम जो है ना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लासेस के समय चलेंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट होंगे उनसे जो है ना राय करने के बाद कौन सा टाइम सूटेबल होगा उसको आप चेंज करवा सकते हैं या चेंज किया जाएगा। उसके अलावा जो है ना ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ स्टूडेंट जो है ना कॉल कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू हो रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो है ना अभी जो है ना ये डेट डिसाइड नहीं किया गया है। अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 10 मार्च से जो है ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे। तो 10 मार्च तक में एडमिशन कितने स्टूडेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसका टाइम डिसाइड किया जाएगा। फीस की बात किया जाए तो हम अभी ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। अगर आप 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च को आप एडमिशन लेते हैं या 1 मार्च से पहले लेते हैं, तो आपको फी में 500 का डिस्काउंट यानी कि 4500 लगेगा, 4500 आपको देना पड़ेगा यहाँ पे।
लेकिन अगर आप 10 मार्च तक एडमिशन लेते हैं तो 10 मार्च तक में जो है ना आपको 5,000 फीस रखा गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 मार्च से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं या 1 मार्च को भी लेते हैं तो आपका फीस 4,500 ही लगेगा। अगर आप 10 मार्च तक में एडमिशन लेते हैं तो आपका फीस 5,000 ही लगेगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपका 5,000 फीस लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगे, पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा सबका, और उसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। तो उसका फीस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें जो है ना अच्छा टाइम देना होता है। ऑफलाइन जो है ना जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कल मॉर्निंग में सुबह 6 से 8 जो है ना क्लास स्टार्ट हो रही है, आप इसको मिस नहीं करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करें, लेकिन आज कल के इंट्रोडक्शन क्लास को आप जो है ना ज्वाइन करेंगे तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया। आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है ना मई 21 में होगा, मई में आपका जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग बात कर लिए, जय रही बात बुक्स का, तो बुक्स आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय इंतज़ार कीजिए, आपको बुक्स लाइब्रेरी से मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप कोचिंग में आएंगे तो कोचिंग का जो नोट्स होगा और क्लास में जितना करवाया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है और आगे भी वो सब चीज़ काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। स्टार्टिंग से अंत तक आपको 0 से लेकर के टॉप तक आपको पहुंचाया जाएगा, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पे आपको आने के बाद पता चलता है। तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8084370470। ये नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ओके, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।